किचन में आ गए हैं और किचन में बनाएंगे हम जासर मछली। एकदम ताज़ा ताज़ा मछली है, फ्रेश से मछली को 4-5 पानी से धोकर तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों आज हम सरसों वाली जासर मछली रेसिपी बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जासर मछली सरसों वाली बनाएंगे। तो सबसे पहले मछली में तो लगाते हैं हल्दी और नमक। दोस्तों हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है हम मिक्स कर देते हैं। जासर मछली में मसाला डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ये पीला सरसों का तड़का डालेंगे। और ये दोस्तों पीला सरसों, गोल मरीच और लहसुन का हम पेस्ट बनाएंगे। तो आइए दोस्तों सब चलिए दोस्तों कढ़ाई गरम करते हैं और मछली को फ्राई करते हैं। तो आइए तो दोस्तों यहाँ देखिए छोटा सा सस्पेन चढ़ा दिए हैं, तेल गरम है। तो आइए इसमें मछली डालते हैं। तो चलिए दोस्तों एक तरफ जो है लग रहा है फ्राई हो गया है तो हम इसे पलट लेते हैं। फ्राई करते समय जो है ये मछली बहुत उड़ता है। तो चलिए दोस्तों फ्राई एक तरफ पलट दिए हैं, इसे काला करके तल के निकाल लेते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों जैसे मछली को हम फ्राई कर लिए हैं, देखिए डालिए हम निकाल लेते हैं। काला करके जो है हम तले हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो जासर मछली फ्राई कर लिए हैं, देखिए कितना करा करके फ्राई करे हैं, करा करके तले हैं। तो चलिए दोस्तों अब मछली तो फ्राई होकर तैयार है। तो आइए अब बड़ा सा कढ़ाई में हम इसे रस लगाएंगे, क्योंकि छोटा सा कढ़ाई में नहीं होगा। तो आइए बड़ा सा कढ़ाई गरम करते हैं और मसाला भूनते हैं और मछली को रस में खदकाते हैं। तो चलिए दोस्तों बड़ा सा कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, साथ ही तेल डाल दिए हैं, गरम हो चुका है। तो आइए सरसों का फोरन डालते हैं। सरसों को हम चटकने देते हैं। सरसों जो है भुना गया है क्योंकि चटकना जो है बंद हो गया है। तो आइए इसमें सरसों, लहसुन और गोल मरीच का जो पेस्ट बनाए हैं पेस्ट हम डालेंगे। मिर्ची पाउडर है डाल देते हैं। हल्का पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है जलेगा नहीं और अच्छी तरह से जो है भुनाएगा। पानी डाल दिए हैं, मसाला को अच्छी तरह से जो है भून लेते हैं। आइए दोस्तों इसमें थोड़ा हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं, नमक के साथ मसाला को हम भून लेंगे। नमक डाल दिए हैं, अच्छी तरह से मसाला को भूनेंगे जब तक इसमें कलर ना आ जाए। दोस्तों जासर मछली सरसों वाला बड़ा ही टेस्टी लगता है खाने में, मछली ताज़ा हो तो और भी। चाहिए भून लेते हैं। देखिए मसाला को अच्छी तरह से भून लिए हैं, सारा पानी जो है सूख गया है, मसाला जो है सोनापन सोनापन खुशबू दे रहा है। चाहिए इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए हैं, उबलने देते हैं तो मछली फ्राई डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों रस में उबाल आ गया है, देखिए कितना अच्छा जो है रस उबल रहा है और कलर भी आया है। तो आइए जासर जो फ्राई किए हैं डाल देते हैं।
ड्रेसिंग को डाल दिए हैं रस के साथ। इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से रस भी पक जाए और मछली भी रस के साथ पक जाए और मछली जा ताकि मछली भी रस के साथ अच्छी तरह से पक जाएगा। तो आइए दोस्तों 4 से 5 मिनट इसे पका लेते हैं। टेस्टी टेस्टी लाजवाब जासर मछली सरसों वाली बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों टेस्टी टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। आइए चूल्हा पर से उतार लेते हैं। तो दोस्तों जासर मछली बनकर तैयार हो गया है। इसे चावल के साथ या साथ में रोटी के साथ दोनों के साथ खाएंगे। आइए दोस्तों थाली में परोसते हैं और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों चावल और साथ में रोटी जो है थाली में परोस लिए हैं। तो आइए दोस्तों जासर मछली रेसिपी परोसते हैं। और ऊपर से डाल देंगे ग्रेवी। दोस्तों थाली में चावल और रोटी के साथ जासर मछली रेसिपी बनकर तैयार है टेस्टी टेस्टी। आइए और खाकर बताइए कैसा लग रहा है। देखने में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो खाने में तो टेस्टी ही लगेगा। तो दोस्तों जासर मछली रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।